सभी को नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए भाई, हमने तनुता की बात कर ली थी कि तनुता का क्या क्या प्रभाव पड़ता है चालकत्व पर, चालकता पर, मोलर चालकता पर, तुल्यांक की चालकता पर। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो भाई पिछला लेक्चर जरूर देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर अटेंड करना है, क्योंकि ये लेक्चर है वो कोरिलेट है आपका इससे, प्रीवियस लेक्चर से। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं कि तनुता की हमने बात की थी और तनुता पर हमने पढ़ा था कि तनुता बढ़ाने पर यानी डाइल्यूशन बढ़ाने पर चालकत्व, इसको किससे दिखाते हैं, सी से दिखा देते हैं, जी से भी इसको दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चालकत्व के मान बढ़ते हैं। दूसरी बात हमने करी थी कि जो चालकता है, चालकता का मतलब कप्पा, इसके मान कैसे होते हैं, घटते हैं। तीसरी बात करी थी हमने मोलर चालकता की, तो मोलर चालकता के मान भी हमने कैसे देखे थे, मोलर चालकता लैम्डा एम के मान भी हमने कैसे देखे थे, भाई बढ़ रहे थे। और हमने बात की थी किसकी, तुल्यांक की चालकता की, तो तुल्यांक की चालकता में भी हमने देखा था कि तुल्यांक की चालकता के लिए भी मान कैसे हो रहे थे, भाई बढ़ रहे थे। ये कहानी हमने इससे प्रीवियस की क्लास में पढ़ी थी। ठीक है ना, एक ग्राफ भी हम फटाफट समझ लेते हैं भाई। पहला हो गया आपका प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और दूसरा हो गया आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो अल्फा है वो 100% है, 100% का मतलब पूरा डिसोसिएट है, यानी अल्फा बराबर क्या होगा, एक के बराबर, 100% है। और यहाँ जो है अल्फा बहुत कम होगा, किससे, एक से, यानी 100% नहीं है, हो गया 20% हो गया, 25% हो गया, 10% हो गया, ये होगा अल्फा, यानी जो आपका जो विद्युत अपघट्य है वो बहुत ही कम क्या है, डिसोसिएट हुआ है, आयनित हुआ है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब मैं फटाफट एक बार पहले प्रबल का ग्राफ और दुर्बल का ग्राफ बना के आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। देखना भाई, प्रबल का ग्राफ देखना भाई। ठीक है, प्रबल का ग्राफ बनाते हैं हम, किस किस के बीच में, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता के लिए एक जैसी मान आएंगे, मोलर चालकता के लिए अपन बना लेते हैं लैम्डा एम और रूट सी के बीच में। ठीक है, और हम ग्राफ बना रहे हैं प्रबल का, और प्रबल के तौर पर हमने ले लिया है KCl। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि इसमें आयनों की संख्या तो पड़ेगी नहीं, आयन तो पूरे 100% डिसोसिएट हो गए। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम विलयन को पतला करते जाते हैं, पानी मिलाते जाते हैं, इसको डायल्यूट करते जाते हैं, तो होता क्या है, जो आयनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि आयन को कौन सराउंडेड कर लेगा भाई, आयन को कौन सराउंडेड कर लेगा, वाटर के मॉलिक्यूल सराउंडेड कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इसकी जो दूसरे आयन के साथ जो डिस्टेंस है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस बढ़ जाने से आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी, और आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी तो यहां पर लैम्डा एम के मान, मोलर चालकता के मान और तुल्यांक की चालकता के मान कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहां जो मेन रीजन आता है जो चालकता बढ़ने का, वो क्या आता है भाई, डिस्टेंस। ठीक है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ने की वजह से आयनिक मोबिलिटी, आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, और गतिशीलता बढ़ने से ही यहां पर चालकत्व के मान, या मैं कहूं कि मोलर चालकता के मान यहां पर बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर हम दुर्बल की बात करते हैं तो दुर्बल की बात अभी करेंगे, पहले इस ग्राफ को बना लो। ठीक है, हम इसको पतला करते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन यहां बढ़ती है, यहां घटती है, घटने का मतलब, कंसंट्रेशन घटने का मतलब क्या है भाई, कि तनुता आपकी बढ़ रही है, आप विलयन को पतला करते जा रहे हो तो कंसंट्रेशन आपकी घटेगी भी। ठीक है भाई, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो भाई, इसको पतला करते जा रहे हो, पतला करने का मतलब कंसंट्रेशन घटाते जा रहे हो, तो आपकी मोलर चालकता के मान बढ़ रहे हैं। पहले पॉइंट देखा, यहां पे आया और इसको पतला किया, पॉइंट यहां पर आया। ठीक है, और ऊपर बना देते हैं, पॉइंट यहां पर आया, और पतला किया यहां पर आया, और पतला किया इसको, पॉइंट यहां पर आया, और पतला किया, पॉइंट यहां पर आया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब हम इसको यहां से यहां तक मिलाते जाएं तो एक कांस्टेंट इंक्रीमेंट बढ़ रहा है भाई, एक निश्चित मात्रा में क्या हो रही है, चालकता आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको और अगर हम बढ़ाएं और बढ़ाकर इसको यहां तक पहुंचा दें तो इस पर आपको पता है कंसंट्रेशन बिल्कुल क्या हो गई, होगी जीरो भाई। इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन बिल्कुल क्या हो गई है, जीरो। और जब जीरो कंसंट्रेशन हो जाती है तो उस पर जो चालकता आपको मिलती है उसको क्या बोलते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, जीरो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा वो डायल्यूट कर दिया, अनंत डाइल्यूशन आपने कर दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट, यानी इसको बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि जब हम प्रबल के लिए ग्राफ निकालते हैं तो प्रबल के लिए ग्राफ से हमको लैम्डा एम नॉट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कुछ कहानी अलग होती है। क्या कहानी होती है, देखो वीक की कहानी कुछ ऐसी होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं इस बार हम, और एसिटिक एसिड हमने ले लिया, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, वही लैम्डा एम,
और यहाँ पर रूट सी के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको पता है दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जैसे जैसे इसमें पानी मिलाते जाओगे तो पानी मिलाने पर क्या होगा, यहाँ पर आयनों का वियोजन भी होगा, आयनों को भाई माध्यम मिलेगा वियोजित होने के लिए, तो आयनों का वियोजन भी होगा और वियोजन के साथ साथ उनकी जो गतिशीलता है वो भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आयनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा भाई, और डिस्टेंस बढ़ जाने से उनकी गतिशीलता भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां जब हम डायल्यूट करते जाते हैं तो दो कंडीशन की वजह से यहां पर चालकता बढ़ती है। पहली कंडीशन बताता हूं, देखो पहली कंडीशन है जो आपकी चालकता है वो किसके कारण बढ़ेगी, आयनिक गतिशीलता, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक गतिशीलता के कारण चालकता बढ़ेगी। दूसरी, आयनों का वियोजन भी ज्यादा होगा तो आयनों की संख्या भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां जो चालकता है वो दो फैक्टर की वजह से बढ़ती है, कि आयनों की गतिशीलता भी बढ़ती है और आयनों की संख्या भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अल्फा यहां पर डिसोसिएट हो सकता है। अरे भाई अल्फा एक से कम है ना, तो जैसे जैसे पानी मिलाते जा रहे हो तो अल्फा के मान बढ़ सकते हैं, 10% से 20%, 20 से 30%, 30 से 40%, इस तरीके से आपका अल्फा बढ़ सकता है। तो यहां जो मोलर चालकता है उसको बढ़ाने वाले कितने कारक हैं, दो कारक, जबकि यहां पर कितना कारक था, केवल एक कारक। तो यहां पर जो मोलर चालकता के मान है वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, जैसे आप पतला करते जा रहे हो तो यहां से इस तरीके से एक साथ, मतलब बिल्कुल जो ग्राफ है वो आपका एक साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, एक साथ इसकी मोलर चालकता कैसी होती है भाई, बढ़ती है, ठीक है। तो ये कहानी यहां पर मिलती है। अब यहां पर अगर हम कहें कि इस तरीके से इनफाइनाइट जो लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आप ज्ञात कर सकते हो, अनंत तन्नुता पर क्या आप मोलर चालकता यहां से ज्ञात कर सकते हो भाई, बताओ। तो आप कहोगे नहीं भाई यहां से तो कर सकते हैं लेकिन यहां से नहीं कर सकते, यहां से क्यों नहीं कर सकते, अरे भाई कहीं काट सकते हो क्या ग्राफ को, वहां तो पता चल रहा था कि इस तरीके से कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमको यहां तक कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, हमने ग्राफ की सहायता से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था, ज्ञात कर लिया था। लेकिन यहां तो ग्राफ कहीं कट ही नहीं रहा, मान के चलो हम इसको और बढ़ाएं, इधर इसको और बढ़ाएं, तो ये भी इसके बिल्कुल पैरेलल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहीं भी काट तो ये सकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमारे दिमाग में क्या आ गई, ये कंफ्यूजन आ गई और एक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट गई भाई, कि अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए हम लैम्डा एम इनफाइनाइट के मान कैसे निकालें। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हेल्प करने वाला लॉ है वो है आपका कोलराउस का नियम, ठीक है। कोलराउस का नियम, पहली बात मैं आपको बता दूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही नहीं है, केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए नहीं है, यह आपका प्रबल के लिए भी अप्लाई होता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए भी अप्लाई होता है। हम इसको दुर्बल के रेस्पेक्ट में जनरली क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमको दुर्बल का ही नहीं मिल रहा था मान, प्रबल का तो हमको मिल रहा था लेकिन दुर्बल का हमको लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से हम कह देते हैं कई बार के दुर्बल का निकालने के लिए कोलराउस नियम को आप यूज में ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलराउस नियम आपका प्रबल के लिए भी उतना ही वैलिड है जितना आपका दुर्बल के लिए वैलिड है, ठीक है। तो कहानी मोटी मोटी सी आपको समझ में आ गई कि भाई हमारे सामने एक दुविधा आ गई और वो दुविधा हमारी ये थी कि हमको लैम्डा एम इनफाइनाइट का जो मान था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट्य में नहीं मिल रहा था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका कौन सा नियम आया भाई, कोलराउस का नियम आया, ठीक है। तो ये कहानी पिछले लेक्चर की थी जो आपको बताना थोड़ा सा जरूरी था इसलिए मैंने बता दी। अब बात करते हैं हम कोलराउस नियम की, ठीक है। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज आपकी तनुता जो है आपकी थोड़ी सी याद में रखने वाली चीज है, बाकी ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। आप देखना भाई कोलराउस का नियम, तो कोलराउस का नियम क्या बताता है, देखो। तो देखो भाई पहले मैं आपको है ना कोलराउस लॉ का स्टेटमेंट बता देता हूं, फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो कोलराउस नियम का स्टेटमेंट क्या था भाई, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायन व ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है
ठीक है, आप चाहो तो इसको साथ साथ मेरे लिख भी सकते हो। स्टेटमेंट क्या है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के जो मान है वो उस विद्युत अपघट्य के धनायन व ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज बोल देता हूं लैम्डा एम जो इनफाइनाइट के मान है, अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता के मान है वो इस विद्युत अपघट्य के धनायन और इस विद्युत अपघट्य के ऋणायन कि मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। C का मतलब है कैटायन, C का मतलब क्या है कैटायन, या आप इसकी जगह प्लस भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो C प्लस और यहां पर A की जगह माइनस भी लिख सकते हो, लेकिन प्लस प्लस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो इस वजह से हम कैटायन और यहां क्या लिख देते हैं एनायन, ठीक है। और A का मतलब क्या है एनायन, और एनायन का मतलब क्या होता है ऋणायन, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि जो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो उस विद्युत अपघट्य के धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था भैया आपको, कोलराउस ने दिया था। या इसका एक स्टेटमेंट और है, ठीक है, उसको समझने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी बताता हूं, एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं कोलराउस का, ठीक है। कोलराउस ने क्या किया भाई, एक आयन उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में समान हो, ऐसे दो इलेक्ट्रोलाइट लिए और उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता उनको देखी तो उनकी वैल्यूज क्या आई मैं आपको बताता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक को ले लेते हैं पहले हमने KCl, और KCl की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता के मान आए थे वो कितने आए थे आपके 149.86, ठीक है, आपको यूनिट पता ही है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और उसने लिया एक आपका, एक आपने KCl ले लिया और एक उसने ले लिया आपका LiCl लिथियम क्लोराइड, ठीक है। और इसके मान देखिए उसने अनंत तनुता पर, तो इसके मान कितने आए 115.03। और जब इन दोनों का अंतर निकाला, इन दोनों का जब अंतर निकाला तो इनका अंतर कितना निकल के आया 34.83, इनको जब अंतर निकाला इसमें से इसको माइनस किया तो इनका जो अंतर कितना निकल के आया 34.83। अब इसी तरीके का एक और इलेक्ट्रोलाइट ले लिया उसने, एक और इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसमें एक आयन कैसा था उभयनिष्ठ लिया, अब उसने कौन सा लिया देखो, अब उसने लिया KNO3 और इसका था 144.96 वही साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मूल इनवर्स, और इसने अब की बार लिया LiNO3 लिथियम नाइट्रेट और इसका कितना था 110.13, ठीक है, ये इसकी मोलर चालकता के मान थे। तो जब इसमें से इसको घटाया तो यहां भी अंतर कितने का निकला भाई 34.83 का अंतर निकला, यानी जब भी हमने अंतर निकाला तो अंतर कैसा आया यहां पर समान अंतर आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन का विद्युत के प्रवाह में खुद का एक निश्चित योगदान होता है, ठीक है, वो निर्भर नहीं करता कि उसके साथ जुड़ा हुआ कौन है, क्योंकि अनंत तनुता पर भाई हर आयन कैसा होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये हर आयन कैसा है अलग अलग है, एक आयन को दूसरे आयन से कोई मतलब नहीं है, उस पर परिपूर्ण मात्रा में उस पर जल के अणु जुड़े हुए हैं और उनकी जो डिस्टेंस है आयनों की वो बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब एक आयन का दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं है, अनंत तनुता है, 100% क्या हो चुका है डिसोसिएशन हो चुका है, आयनन हो चुका है, तो वहां पर एक जो आयन है वो अपने दूसरे सह आयन पर निर्भर नहीं करता, उसकी प्रकृति उसके सह आयन किससे वो बंधा हुआ है उस पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन अलग अलग हो जाता है, तो हर आयन का विद्युत के प्रवाह में खुद का एक निश्चित योगदान होता है और जिससे हम किसको निकालते हैं भाई मोलर चालकता को ज्ञात करते हैं। और यही क्या था अनंत तनुता पर कोलराउस का जो था स्वतंत्र अभिगमन का नियम था, ठीक है। इसको स्टेटमेंट के दौरान भी मैं आपको लिख के देता हूं, ये बस आपको समझाने के लिए था कि हर बार उसने अंतर चेक किया तो अंतर कैसा आया सेम आया, मतलब यहां पर ClCl की तो वैल्यू सेम होगी और K की वैल्यू कुछ अलग होगी, Li की कुछ वैल्यू अलग होगी चालकता की जिसमें अंतर आया। अब यहां पर भाई KCl के साथ जुड़ा है लेकिन यहां K किसके साथ जुड़ा था NO3 के साथ जुड़ा था, तो अगर सह आयन पर निर्भर करता तो यहां पर कुछ मान अलग हो जाते चालकता के, लेकिन हमने देखा कि जो अंतर आ रहा है K प्लस और Cl, K प्लस का और किसका Li प्लस का जो अंतर आ रहा है वो अंतर सदैव कैसा आ रहा है समान आ रहा है। इसका मतलब K प्लस चाहे किसी से भी जुड़ा हो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का
कोई प्रभाव इस पर नहीं है। इसी तरीके से जो Li है वो आपका चाहे Cl से जुड़ा हो, चाहे NO3- से जुड़ा हो, किसी से भी जुड़ा हो, अनंत तनुता पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसका किसका सह आयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसे ही हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अभिगमन का नियम, यानी प्रत्येक आयन का स्वतंत्र कॉन्ट्रीब्यूशन होता है विद्युत के प्रवाह में। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम पहले लिख लेते हैं, बस समझाने के लिए। ये डेटा मैंने आपको लिखा था, आपकी बुक में भी ये डेटा आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो और हम दूसरे शब्दों में इस लॉ को कैसे लिख सकते हैं, अगर सिंपल वे में आपको एक नंबर में पूछे ऊपर वाला लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको परफेक्ट पूछे कि स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस का नियम ही दीजिए, तो जो अब मैं लिखा रहा हूं वो आपको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे भाई, देखना स्टेटमेंट को, देखना भाई। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाता है। और पूरी तरह आयनित हो जाएगा मतलब जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी आपस में कोई आकर्षण बल नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, इस दशा में अंतर आयनिक आकर्षण नहीं होता है तथा प्रत्येक आयन विलयन की मोलर चालकता में स्वतंत्र होकर निश्चित योगदान करता है। यह योगदान सह आयन पर निर्भर नहीं करता। इसे ही स्वतंत्र आयन का अभिगमन नियम कहा जाता है। जो किसने कहा भाई, कोलराउस ने कहा जाता है, या आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया भाई। ठीक है, इसको एक बार लिख लो। अच्छा, एक चीज और मैं आपको लिख लेना, अभी एक चीज और बताऊं। अनंत तनुता का मतलब आप क्या समझते हो, अनंत तनुता का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, यही है क्या? आप एक समझ सकते हो इसको, बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अनंत तनुता का मतलब क्या है, वो तनुता जिस पर आपके विद्युत अपघट्य की जो चालकता है, जो मोलर चालकता है, उसके मान कैसे हो जाए भाई, स्थिर रह जाए, उसको बोलेंगे अपन अनंत तनुता पर मोलर चालकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान के चलो कोई विद्युत अपघट्य लिया, मैंने उसको डायल्यूट किया 1 ml, तो उसकी जो मोलर चालकता के मान है वो कितने निकल के आए, मोलर चालकता के मान उसके निकल के आए भाई, मान के चलो 0.1 निकल के आए। ठीक है, मैंने इसको बढ़ा के 2 ml कर दिया, अब हो गए इसके 0.11 हो गए। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। मैंने इसके 3 ml कर दिए, थोड़ा सा और मोलर चालकता बढ़ गई भाई, 0.12 हो गए। मैं बढ़ाते इसको ले गया 10 ml तक, तो 10 ml पर मैंने देखा कि इसकी जो मोलर चालकता है वो कितनी हो गई, 0.2 हो गई। ठीक है, अब मैंने इसको 11 ml किया, फिर भी मोलर चालकता कितनी रही, 0.2। फिर मैंने इसको 12 ml किया, फिर भी मोलर चालकता कितनी रही, 0.2। यानी मैं कितना भी इसको डाइल्यूट करता जाऊं, अब जो हमारी मोलर चालकता है वो कांस्टेंट हो गई, बढ़ नहीं रही। तो इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जहां पर मोलर चालकता के मान फिक्स हो जाएं, उसके बाद आप कितना भी डाइल्यूट करो, मोलर चालकता के मान कांस्टेंट रहे, उसको अपन बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गई, बस समझाने के लिए लिया आपको लिखी थी। आप लिख लो भाई, पहले इस लॉ को लिख लो, फिर आगे की बात करते हैं। लिखो,
लिख लिया भाई, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो भाई, इस पर है ना आपको एक बढ़िया बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल मिलता है, ठीक है, जिसको आंख बंद करके भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने बढ़िया से इस लॉ को समझ लिया है, कुछ दिक्कत नहीं है। और अगर स्टेटमेंट पूछेगा तो आरबीएससी में तो सीधा सीधा पूछेगा भाई एक नंबर का कि कॉल राउश का नियम दीजिए या स्वतंत्र अभिगमन का कॉल राउश का नियम दीजिए, आप लिख सकते हो इतनी बात को, न्यूमेरिकल देगा, दो नंबर तक पूछा जा सकता है। कैसा न्यूमेरिकल आएगा देखो भाई, यहां से आपने पढ़ा है कि भाई अनंत तंत्र पर मोलर चालकता हम कैसे निकालेंगे, उसकी धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की अनंत तंत्रता पर जो मोलर चालकता है उसको जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगी भाई मोलर चालकता के मान, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखो, देखो भाई बताते हैं, क्योंकि सारा खेल हमारा किसके लिए चल रहा था, दुर्बल के लिए चल रहा था, और हमने बताया कि ये तो किसी के भी लिए भी अप्लाई केवल है, प्रबल के लिए भी, दुर्बल के लिए भी। तो अभी बताता हूं मैं आपको दुर्बल की इससे कैसे निकालोगे, ठीक है, देखो समझना। जैसे अगर हमें लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना है, हमें किसका, CH3COOH का, ठीक है, CH3COOH का। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे लैम्डा, पहले तो कैटायन को लिखेंगे तो लैम्डा H प्लस और ऊपर क्या लगा देंगे इनफाइनाइट, और नीचे लिखेंगे लैम्डा CH3COO माइनस और ऊपर लगा देंगे इनफाइनाइट, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमको ये वैल्यू चाहिए, तो हमको इन दोनों की वैल्यू चाहिए, लैम्डा H प्लस की वैल्यू चाहिए हमें और लैम्डा CH3COO माइनस की वैल्यू चाहिए। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं, उससे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले लिखने का तरीका भी आप समझ लो, दो तीन को और बता देता हूं। जैसे आपको बोले लैम्डा एम इनफाइनाइट NH4OH का मान आपको निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा NH4 प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा OH माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। आपसे बोल दे कि आप लैम्डा एम इनफाइनाइट बताओ HCl का, तो इसको कैसे ज्ञात करना है, लैम्डा H प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट। आपसे बोल दे भाई कि लैम्डा जो इनफाइनाइट है आप निकाल के बताओ NH4Cl का, तो आप कैसे निकालोगे, लैम्डा NH4 प्लस इनफाइनाइट और Cl माइनस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज निकालोगे, यानी धनायन और ऋणायन का योग कर दोगे तो आपके विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान आ जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल आपको, बस ये एग्जांपल आपको समझने के लिए है, बाकी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा उससे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लिख लो भाई फटाफट, इसको मिटा दूं, ठीक है। अब देखो एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं, उस न्यूमेरिकल से आप समझ जाओगे कि दुर्बल के लिए हम मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखना भाई न्यूमेरिकल, देखो भाई क्वेश्चन देखो, ठीक है। 298 केल्विन ताप पर आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकता दे रखी है, किस किस की दे रखी है भाई, आप तो एक तो दे रखी है आपको लैम्डा CH3COOH, ठीक है, सोडियम एसीटेट की दे रखी है आपको। अब आपको देखो यहां पर ये नोट भी लगा हुआ मिल सकता है या आपको इनफाइनाइट भी मिल सकता है, तो घबराना मत, नोट का मतलब इनफाइनाइट का मतलब एक ही है, ठीक है ना, समझ जाना, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको लिए, आपके लिए कितनी दे रखी है, 91, आपको यूनिट पता ही है कितनी होती है, साइन 1 cm² और मोल इनवर्स, इसकी जगह ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। और आपको HCl की दे रखी है भाई वैल्यू, HCl की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दे रखी है 425.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और क्या दे रखी है आपको, और आपको NaCl की वैल्यू दे रखी है, NaCl की कितनी दे रखी है भाई आपको, 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपको यूनिट दे रखी है। और पूछ रहा है आपसे एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बताओ, एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बताओ। अब याद रहे एसिटिक एसिड कैसा है आपका, दुर्बल विद्युत अपघट्य, और बाकी के सारे कैसे हैं भाई, बाकी के ये तीनों कैसे हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, लेकिन एसिटिक एसिड कैसा है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो देखो प्रबल की सहायता से आप दुर्बल के मान ज्ञात कर सकते हो, किस नियम की सहायता से, कॉल राउश नियम की सहायता से, देखते हैं कैसे भाई हमको ये चाहिए। तो पहले कॉल राउश नियम के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिखेंगे, लैम्डा CH3COOH इनफाइनाइट, ये बराबर होगा लैम्डा H प्लस इनफाइनाइट के प्लस लैम्डा CH3COO माइनस के, इसी के योग के बराबर होगा। तो कुल मिला के ये वाली चीज हमको चाहिए, तो जो चाहिए उनके आयनों को जोड़ दो, जो नहीं चाहिए उनके आयनों को घटा दो, वैल्यू आपको मिल जाएगी, आंसर मिल जाएगा। क्या चाहिए हमें, H प्लस चाहिए, CH3COO माइनस भी चाहिए। क्या नहीं चाहिए हमें, यहां से Na प्लस हमें नहीं चाहिए,
सीएल माइनस हमें नहीं चाहिए, तो दो जो चाहिए उनको जोड़ दो, जो नहीं चाहिए उनको घटा दो। ठीक है, देखना अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा भाई, लैम्डा सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस लैम्डा एन ए प्लस, ऐसे ही लिखूंगा मैं। ऊपर क्या लगा देंगे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं भाई आपको। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लैम्डा सी एल माइनस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा एच प्लस इनफाइनाइट, ऐसे ही लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, लैम्डा एन ए प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा सी एल माइनस इनफाइनाइट, ऐसे ही लिखेंगे। धनायन और ऋणायन को जोड़ना है, कैसे भी जोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे इसको। अब हमें ये चाहिए एच प्लस और सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस चाहिए, तो हमको ये कैसे मिलेंगे देखो, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो यहां से हमको सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस मिल जाएगा और H प्लस भी मिल जाएगा हमको, सी एच थ्री सी डब्लो माइनस भी मिल जाएगा और H प्लस भी मिल जाएगा। ये हमको चाहिए तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें और तीसरी वाली समीकरण को हम क्या कर दें भाई, घटा दें। तीसरी वाली समीकरण को हम क्या कर दें, घटा दें। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि एन ए प्लस हमको नहीं चाहिए, तो यहां माइनस का एन ए आएगा, माइनस के एन ए से प्लस का एन ए कट जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको पता है सीएल भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस के सीएल से प्लस वाला सीएल कैसा हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको तो हम दे देते हैं इक्वेशन एक, और इसको दे देते हैं इक्वेशन दो, और इसको दे देते हैं इक्वेशन तीन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, समीकरण एक व दो को जोड़कर तीन में से घटाने पर, तीन में से घटाने पर। ठीक है, तो एक का मान क्या है भाई, एक का मान क्या है 91, दो का मान क्या है 425.4, और तीन को घटाना है, तो तीन का मान कितना है -126.4। ठीक है, तो जब जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और चलो मैं आपको और अच्छे से बता देता हूं। ठीक है, चलो भाई इनको जोड़ो, पहले को जोड़ो। ठीक है, सबको बता रहा हूं डिटेल से देखना, सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस एन ए प्लस। ठीक है, ये हो गया, दूसरे वाले को भी जोड़ दो, दूसरे वाले को भी जोड़ देते हैं। चलो भाई जोड़ दिया, लैम्डा एच प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा सी एल माइनस इनफाइनाइट, दूसरे वाले को भी जोड़ दिया। तीसरे वाले को क्या करना है, तीसरे वाले को घटाना है, तो घटा देते हैं भाई, माइनस का निशान, चलो ब्रैकेट नहीं लगाते, डायरेक्ट ही काम कर देते हैं, फिर ब्रैकेट खोलने के लिए स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्ट ही काम कर देते हैं। तीसरे वाले के लिए क्या करना है, घटाना है, घटाने का मतलब माइनस का निशान आएगा, घटा दिया भाई, माइनस एन ए प्लस इनफाइनाइट, इस पे भी क्या आएगा, माइनस का साइन, क्यों हम घटा रहे हैं भाई इसको, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर लगाते फिर माइनस का गुणा करते तो यही चीज आती। ठीक है ना, तो फालतू में दो स्टेप आपके होते, इस वजह से एक स्टेप में काम कर दिया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहां से आपको प्लस के सीएल माइनस से माइनस का सीएल माइनस कट गया, प्लस के एन ए प्लस से माइनस का एन ए प्लस कट गया, तो बचा क्या, बचा क्या भाई आपका लैम्डा सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस बचा, और क्या बचा आपका, और बचा लैम्डा एच प्लस इनफाइनाइट बचा, ये ही बचा और ये ही आपका यहां पर है। ठीक है, तो ये ही बचेगा, आप एक दो को जोड़कर तीन में से घटा दो तो आपको लैम्डा सी एच थ्री सी डबल ओ एच की आपको वैल्यू मिल जाएगी, और वो कितनी निकल के आई भाई, 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो पूरा मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, निकाल लो भाई इसको, लिख लो एक बार पहले आप आसानी से, वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई, लिख लिया, सिंपल है, कर लोगे ना। अरे जिसको आपको निकालना है उसको रखना है फाइनल में, आप कुछ भी करो, ऐसा भी हो सकता है इसमें आपको दो तीन चार किसी से गुणा करना पड़े, मान के चलो ज्यादा मोल आपको दे रखे हो, तो हो सकता है इसका गुणा दो से करो, इसका गुणा तीन से करो, कुछ भी करके आपको जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, समझ जाओगे, कर लेंगे भाई, चलो आगे चलते हैं आगे। हाँ देखो भाई, एक चीज आपकी छूट गई थी, उसको मैं आपको और करवा देता हूं, वो आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेती है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भी आपको पूछ ले। ठीक है, बिल्कुल चांसेस बन सकते हैं, आपके सिलेबस में है तो पूछा जा सकता है, कुछ भी आप ब्लेम नहीं कर सकते कि सर आपने अब तक तो ऐसा क्वेश्चन दिया ही नहीं बोर्ड वालों ने, इस साल क्यों दे दिया, तो ये ब्लेम आप नहीं कर सकते, है ना भाई, ये उनकी मर्जी है वो कैसा क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। चलो बात करते हैं अपन कि क्या रह गया था भाई। हाँ, अब हमने ग्राफ बनाया था भाई, एक ग्राफ बनाया था अभी अभी हमने, इस तरीके से कुछ, इतना स्लोप तो नहीं था, इतना कुछ KCL, यहां था हमारा लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये लैम्डा एम और यहां रूट सी, इस तरीके का हमने ग्राफ बनाया था भाई। तो इसका ग्राफ आपको पता है y इज इक्वल टू किसके है, माइनस एम एक्स प्लस सी के है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट सी क्या है, सी है आपका y एक्सिस पर, क्या है y एक्सिस पर है हमारा लैम्डा एम, लैम्डा एम। ठीक है,
और इंटरसेप्ट किसके बराबर है? लैम्बडा एम इनफाइनाइट के बराबर। स्लोप किसके बराबर है? माइनस, क्योंकि ऊपर से नीचे है माइनस। एक्स एक्सिस पर क्या है? रूट सी। और स्लोप के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं बी, ठीक है। इसको डेबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो बी का जो कांस्टेंट मान है वो आपको किसने कैलकुलेट करके दिया था? ऑनसेगर ने दिया था, ठीक है। तो ऑनसेगर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो ऑनसेगर समीकरण हम किसको बोलेंगे? ऑनसेगर समीकरण। तो ऑनसेगर समीकरण इसको रिफाइन करके कैसे देता है भाई? इसको मैथमेटिकली कैसे देता है? देखो, लैम्बडा एम बराबर लैम्बडा एम इनफाइनाइट माइनस, ठीक है, 82.48 अपॉन डी टी की पावर 1/2 ईटा, ठीक है, 1/2 ईटा, इसको ईटा बोलते हैं भाई, ठीक है। प्लस 8.20 × 10^5 अपॉन डी टी की पावर 3/2, ठीक है। और अंदर क्या रखोगे? लैम्बडा एम इनफाइनाइट, ब्रैकेट बंद, और बाहर आ जाएगा रूट सी। ये आपका जो फॉर्मूला है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है भाई, जो ऑनसेगर ने दिया था। इसके अलावा आप और इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, वो आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले आप जो ये जो आपको मैंने इक्वेशन लिखाई है, पहले आप इसको लिखो, फिर बताता हूं उस वैल्यू को। तो देखो, इसको कैसे लिख के देता है भाई? लैम्बडा एम बराबर लैम्बडा एम इनफाइनाइट माइनस ए प्लस बी लैम्बडा एम इनफाइनाइट रूट सी। भाई बहुत बार आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा है। कैसे क्वेश्चन पूछता है? कि इस इक्वेशन में जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी, और चार ऑप्शन आपको दे देता है, ठीक है। या दूसरे तरीके से क्या पूछ लेता है कि इसमें इक्वेशन बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू दे देता है और चार ऑप्शन दे देता है, बताओ बी की वैल्यू कौन सी करेक्ट है। तो आपसे भी इस तरीके का बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए कॉन्स्टेंट की वैल्यू दो, बी कॉन्स्टेंट की वैल्यू दो, तो आपको आनी चाहिए, ठीक है भाई, समझ गए। हाँ, एक चीज और, अब दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आपको पता है वहां वियोजन बढ़ जाता है, जैसे जैसे आप तनुता बढ़ाते हो तो दुर्बल विद्युत अपघट्य भी लगभग आपका 100% वियोजित हो जाता है, यानी एज ए प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह बिहेव करने लगता है। तो आप उसके लिए अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य हेतु, दुर्बल विद्युत अपघट्य हेतु, अपघट्यों हेतु वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, वो भी आप याद रखोगे, अल्फा बराबर दी गई तनुता पर मोलर चालकता, दी गई तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता लैम्बडा एम, ठीक है, अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है लैम्बडा एम इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू, इन दोनों वैल्यू की सहायता से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस आपको फॉर्मूला पूछ ले, दुर्बल विद्युत अपघट्य हेतु अल्फा कैसे निकालोगे, तो आप बता सकते हो, ठीक है भाई। लिख लो इन बातों को भी एक बार, फिर आगे की कहानी बताता हूं। लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लोगे भाई, लिख लोगे ना, चले, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतनी कहानी बहुत है, कोलराउस लॉ आज हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अगला आपका जो आएगा वो आएगा भाई आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक की पूरी कहानी हो गई, कोलराउस नियम क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है, दो नंबर तक पूछा जा सकता है। तो न्यूमेरिकल मैंने आपको और करवा दिया, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो लास्ट के 5-7 साल के पेपर देखेंगे, उससे भी हमको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। कल हम पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे लेक्चरों को कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।